देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने पिछले साल ही डीजल इंजन कार्स को बेचना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार मारुति सुजुकी ने एक दमदार 1.5 लीटर डीजल इंजन तैयार किया है। इस नए DDIS डीजल इंजन को नए BS6 अपडेट के अनुसार तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस इंजन का इस्तेमाल अपने आने वाले 4 मॉडलों में करेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मॉडल है जिस पर इस नए 1.5 लीटर BS6 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, मारुति ब्रेजा पहले सिर्फ 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ आता था। इसके बाद जब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, तब ये गाड़ी सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल ऑप्शन में ही आने लगा। लेकिन अब बहुत जल्द मारुति की इस क्रॉसओवर कम SUV पर भी ये नया वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन मिला करेगी। इसके साथ साथ मारुति सियाज, मारुति अर्टिगा में भी ये डीजल इंजन बहुत जल्द उपलब्ध होगा। इसके अलावा जॉइंट वेंचर के तहत मारुति और टोयोटा मिलकर एक नया कार पर काम कर रहे हैं जिसका कोड नेम है D22। तो इसी अपकमिंग कार में भी इस 1.5 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। सो गाइस, यही टोटल 4 मॉडल्स है जिसमें कंपनी डीजल इंजन ऑप्शन देने वाला है। तो यही है आज का वीडियो। कमेंट करके बताना, अगर डीजल इंजन लॉन्च होता है तो आप इनमें से कौन से मॉडल को डीजल इंजन के साथ खरीदना पसंद करोगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।